Hello students, I welcome you here on the official YouTube channel of Sanskaram Group of School. Students, today we will do vocab. ये बेटा vocab section की third video है, ठीक है? Two videos upload हो चुकी हैं. And what we are doing? We are trying to learn more and more words with the help of root word. हम अपनी vocab को improve करने की कोशिश कर रहे हैं. किसकी help से? Root word की help से. I told you in the first one. इन द सेकेंड वन ये आपकी थर्ड वीडियो है, मैंने उनमें भी बताया बेटा वट इज़ द प्रॉफिट ऑफ दिस वन विद द हेल्प ऑफ दिस वन कि आप इस एक वर्ड की हेल्प से, जैसे यहाँ पे लिखा आपका असर्ब, हमने जो पहले जैसे किया था फर्स्ट वीडियो में ग्राफी, तो ग्राफी का मैंने मीनिंग बताया था टू राइट, तो जहाँ जहाँ ग्राफी आपका वर्ड लास्ट में दिखे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं उसका रिलेशन किससे होगा, राइटिंग से होगा, किया था. फिर हमने वर्ड किया था बेटा क्रेड, बिलीव, ट्रस्ट, तो जहाँ जहाँ लास्ट में आपको क्रेड वर्ड मिले तो उसका रिलेशन किससे होगा, बिलीव से होगा. आप उन दो वीडियो में जाके देख लेंगे. एंड नाउ दिस इज द थर्ड वन रिलेटेड टू वोकैब. ये वोकैब की आपकी कौन सी वीडियो है बेटा? थर्ड वन. और हम वोकैब किससे कर रहे हैं? रूट वर्ड से कर रहे हैं, ठीक है? चलिए, हमारा आज का जो रूट वर्ड है वो क्या है? असर्व. असर्व का मीनिंग देखिए, पहले देखिए इसका प्रॉफिट ये होता है कि अगर आपको इसका वो पता है, मीनिंग पता है इस रूट का, तो आप कहीं ना कहीं आपके पास जो ऑप्शंस आएंगे उसमें नियर बाय आप पहुंच जाएंगे कि हाँ इन ऑप्शंस में जो है वो आपका बिटर कहाँ पे है या इरिटेटिंग कहाँ पे है या जो भी इसका मीनिंग निकलेगा असर्व का, अभी बताऊंगी मैं आपको, तो आप नियर बाय मीनिंग के पास ईजिली पहुंच जाते हैं. आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा एंड इन लर्निंग प्रोसेस ऑल्सो, ठीक है? यू कैन ईजिली लर्न 8 to 10 वर्ड्स विद इन 2 मिनट्स, ठीक है? अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो 2 मिनट के अंदर आप 8-10 वर्ड याद कर लेते हैं. एंड इवन इफ यू आर लर्निंग 10 वर्ड्स इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क एंड यू विल फॉरगेट, ठीक है? थोड़े टाइम के बाद आप भूल जाएंगे, ये होता है, लेकिन इस प्रोसीजर से करने से आपको वो काफ़ी जो है लॉन्ग रन में याद रहेगा. चलिए करें स्टार्ट. देखिए आज का हमारा रूट वर्ड है बेटा असर्व. असर्व का मीनिंग होता है बिटर. क्या होता है? बिटर, ठीक है? कोई भी चीज़ जब हम खट्टी खाते हैं तो हमारा फेस कैसा बनता है? बहुत गंदा सा बनता है. गंदा सा कैसा? इरिटेटिंग सा. कैसा बनता है? इरिटेटिंग, ठीक है? खट्टा सा जब हम खाएं तो इरिटेटिंग सा फेस बनता है, तो कहीं ना कहीं इसका रिलेशन इरिटेशन से और बिटर से, ठीक है? समझ गए? इरिटेशन से और बिटर से. अब आते हैं अपने वर्ड पे कि कैसे उन चीज़ों को याद करेंगे. असर्व बिटर, असर्व इरिटेटिंग. फर्स्ट वर्ड है आपका बेटा असर्बिटी. क्या है? असर्बिटी. असर्बिटी क्या होता है? थिंग्स बिटर इन टेस्ट. थिंग्स बिटर इन टेस्ट, ठीक है? सिंपल सी बात है, भी असर्ब का मीनिंग निकला बिटर, तो असर्बिटी का हुआ थिंग्स बिटर इन टेस्ट. हो गया ना याद, कि भी असर्ब आ गया तो असर्ब से निकला बिटर, तो असर्बिटी आपका थिंग्स के लिए. क्लियर? फिर है एग्जर्सर्बेट. एग्जर्सर्बेट, एग्जर्सर्बेट वही फिर असर्ब आ गया. आया असर्ब. असर्ब आपका क्या है भाई? मैंने कहा था बिटर, लेकिन बिटर खाते हैं तो हम जो है वो खट्टी कोई चीज़ खाई तो इरिटेटिंग सा होगा. इरिटेटिंग सा होगा तो मेक वर्स, गंदा सा फेस बनाते हैं, मेक वर्स. एग्रावेट, ऐसे ट्रिक्स से आप बड़ी जल्दी याद कर पाएंगे एग्रावेट, ठीक है? तो एग्जर्सर्बेट मेक वर्स, किसी चीज़ को बहुत बुरा बना देना, ठीक है? उसे क्या बोल देंगे? एग्जर्सर्बेट. फिर है आपका नेक्स्ट वर्ड बेटा असर्बेट. क्या है? असर्बेट, वही बात असर्बिटी, ठीक है? यहाँ क्या बन गया? असर्बेट. टू मेक श्योर, ये सोर बेटा आपका एस ओ यू आर ऐसे बनेगा, ठीक है? सोर. और बिटर, ठीक है? इरिटेट, यहाँ कोमा आएगा, इरिटेट. अनॉय समवन और वेक्स, ये वही रिलेशन हो गया. असर्ब आ गया, असर्ब आ गया, खट्टा है, बिटर है, बिटर खाते हैं, इरिटेट फील करते हैं, इरिटेट और गुस्सा भी आ जाता है, ज़्यादा खट्टी चीज़ खाई नहीं जाती, ठीक है? और वेक्स वहाँ पे. क्लियर? ये इनके क्या है? सिनोनियम है. तो असर्बेट रिलेटेड टू बिटर. क्लियर? मूव टुवर्ड द नेक्स्ट वन, एसिडलस, ठीक है? एसिडलस दैट इज कटिंग एंड शार्प इन टोन और स्पीच. देखिए एक बात आपको बताऊं मैं, अगर कोई खट्टी चीज, मान लो आपने नींबू डाला, नींबू डालते हैं, कोई खट्टी चीज किसी चीज पे डालते हैं तो वो चीज क्या हो जाती है? फट जाती है. फट जाती है ना, फट जाती है. दूध में आपने नींबू डाला तो वो दूध क्या हो जाएगा? फट जाएगा. तो यही चीज़ यहाँ पे देखो, एसिडलेस मतलब आपने एसिड डाला. एसिड से समझ लो या बिटर से समझ लो, एसिड से समझ लो बेशक से सीधा. एसिड है, एसिड डाला तो जल गया वो, ठीक है? जल गया तो क्या हो गया? कट गया बिल्कुल, ठीक है? तो कटिंग
एंड शार्प इन टोन, ठीक है, जिसकी टोन कैसी हो, बहुत ज़्यादा शार्प हो, उसे बोलेंगे क्या, एसिडलस, ठीक है, जिसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा जो है वो शार्प हो, उसे एसिडलस, एसिड के जैसा हो, बिल्कुल काटने वाली हो, तीखी आवाज़ हो, वो क्या होंगे, एसिडलस। फिर है एसर्बोफोबिया। देखो फोबिया सबको पता है, फोबिया क्या होता है, फियरफुल, फोबिया फियरफुल सिचुएशन, जब किसी चीज़ के रिगार्डिंग फोबिया, हाइड्रोफोबिया, आ फियर रिलेटेड टू वाटर, बोलते हैं ये एक रूट वर्ड बाद में निकलेगा, हम इस रूट वर्ड को भी कवर करेंगे, ठीक है, फोबिया को। अब यहाँ पे देखिए असर्बोफोबिया, असर्ब बिटर, तो जिसको भाई बहुत ज़्यादा जो है वो फियर हो, एक्सट्रीम एंग्जाइटी, एंग्जाइटी क्या होता है बेटा, फियर, जो बहुत ज़्यादा डरता हो, किससे डरता हो, कंज्यूमिंग सॉर और बिटर थिंग्स, ठीक है, खट्टी चीज़ें खाने से और जो है वो सॉर जो थिंग्स लेने से, जिसको बहुत ज़्यादा डर लगता हो, जो एंग्जाइटी हो जिसको, तो वो बोलेंगे असर्बोफोबिया, जो असर्ब से डरता हो, जो बिटर से डरता हो, फोबिया मीन्स फियर, असर्ब मीन्स बिटर, वेरी इजी। देखिए हमने जो है वो फाइव वर्ड्स कवर किए बेटा, और सब में आपका क्या निकल रहा है, देखो बिटर, इसमें भी क्या निकला आपका, बिटर कोई बनता, मैंने कहा बिटर या इरिटेट, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा वो हो तो वो बहुत गंदी लगती है, मेक वर्स, ठीक है, खट्टी है तो, असर बेट अभी बताया, सोर और बिटर, बिटर खाते हैं, इरिटेट फील करते हैं, एसिडलेस आपका क्या है, कटिंग एंड शार्पन टोन और स्पीच, एसिड डलता है तो वो क्या बन जाती है, ऐसे डलने से वो चीज कट जाती है, ठीक है, तो कट गई तो कटिंग एंड शार्प इन टोन, ठीक है। फिर असर्बोफोबिया, फोबिया आपका फियर और असर्ब आपका बिटर, तो असर्बोफोबिया एक्सट्रीम एंग्जाइटी अबाउट कंज्यूमिंग सॉर और बिटर। एक्रीड, देखिए इसकी प्रोनंसिएशन आपकी बनेगी अक्रीड ऐसे, ठीक है, ये आपका अक्रीड ऐसे, अक्रीड, क्लियर। अक्रीड क्या कहता है, इरिटेटिंग इन बिहेवियर, पंजेंट, कोमा आएगा बेटा यहाँ पे, पंजेंट, ठीक है, शार्प थिंग और मोफेटिक थिंग, मोफेटिक और स्टिंगिंग, ठीक है, मोफेटिक और स्टिंगिंग। अब ये क्या है, सारी बातें एक ही बात है, बात एक ही है आपकी, क्या है, सुनिए, एक्रीड क्या होगा, मैंने कहा था अभी असर्बिक चीज खाते हैं तो इरिटेटिंग फील करते हैं, इसके दो मीनिंग निकलते हैं, तो एक्रीड आपका निकला तो क्या है, इरिटेटिंग, जिसका बिहेवियर कैसा हो, जैसे इसको देखो एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं एक्रीड को, एक होते ना निमोनिक्स से समझना, यहाँ रूट वर्ड तो है ही है, एक निमोनिक्स भी लगाते हैं, क्या निमोनिक्स लगाया मैंने, कि मैंने कहा एक्रीड को अकड़ के चलता है, मैंने क्या कहा, अकड़ के चलता है, अकड़ के चलता है तो उसका बिहेवियर भी अच्छा नहीं लगे ना किसी को, कैसा बिहेवियर है उसका, इरिटेटिंग है, क्योंकि वो अकड़ के चलता है, तो अक्रीड का मतलब क्या हुआ, इरिटेटिंग इन बिहेवियर, ठीक है। दूसरा हम इसे असर्ब के साथ लगे, और वो देखो पंजेंट भी होगा, पंजेंट का मतलब होता है बेटा वेरी फुल, बहुत गंदा, ठीक है, उसे बोलते हैं पंजेंट, क्लियर। शार्प, जो बहुत तेज हो, जिसमें बहुत ज्यादा स्मेल आए, ठीक है, उसको बोलते हैं शार्प, या बहुत ज्यादा जो है वो तीखा हो, ठीक है, उसके लिए शार्प यूज करते हैं। स्टिंगिंग, मोफेटिक, ये इसके सारे क्या हैं, सिनोनियम्स हैं एक्रीड के। अब आते हैं एक्रीमोनियस, एक्रीमोनियस वही बिटर, ठीक है, बिटर होगा, हैरिश होगा, और कॉस्टिक इन टेम्पर, जो कि हमारे टेम्पर को, हमारे गुस्से को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, ठीक है, यही एक्री से निकला, इरिटेटिंग से निकला, ठीक है, इरिटेटिंग से निकला, इरिटेटिंग है उसका हैर्श बिहेवियर, क्या हैर्श बिहेवियर है, इसीलिए वो एक्रीमोनियस है, ठीक है, और हमारे गुस्से को क्या कर देता, बढ़ा देता, कॉस्टिक इन टेम्पर, एक्रीमोनियस का बन गया बिटर, हैर्श और आपका कॉस्टिक इन टेम्पर, ठीक है। अब सुनिए एक्रीरोज, ठीक है, एक्री सॉरी एसिरोज, नॉट एक्रीरोज, एसिरोज, ठीक है, एसिरोज क्या है, अब इसको समझने के लिए एक निमोनिक्स लगाते हैं। रोज आपका कैसे होते हैं, रोज में क्या होते हैं, काटे होते हैं, वही बात यहाँ आ गई भी, ऐसी रोज का मतलब ऐसा रोज जिसमें क्या है, शार्प है, जो बहुत ज़्यादा पॉइंटेड थॉर्न्स है जिसके अंदर, ठीक है, तो शार्प और पॉइंटेड उसे बोल देंगे ऐसी रोज, क्लियर। नेक्स्ट है बेटा एक्यूमेन, क्या है एक्यूमेन, एक्यूमेन जो परफेक्ट होता है, जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होता है, उसे बोलते हैं एक्यूमेन, एक्यूमेनशिप होती है परफेक्टनेस, तो एबिलिटी टू अंडरस्टैंड और क्विकली, ठीक है, एक्यूमेन का मतलब द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड और क्विकली, उसे बोलते हैं एक्यूमेन, क्लियर। चलिए ये सॉरी ये एक साथ है, अलग नहीं है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड क्विकली, जो बहुत जल्दी समझ पाए, जैसे हम कहें इंटेलिजेंट बॉय,
क्या कहें, इंटेलिजेंट, ये अलग अलग नहीं है, सॉरी, एक्यूमेन का हुआ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड क्विकली, जो बहुत जल्दी बात को समझ पाए वो कैसा पर्सन है, एक्यूमेन है। देखो इसको एक तरीके से भी समझे, एक्यूरेट, एक्यूरेट क्या होता है, जो बिल्कुल ठीक हो उसे बोलते हैं एक्यूरेट। तो जो मैन एक्यूरेट है जो कि मतलब सारी बातों को समझता है, बहुत जल्दी समझ लेता है, तो वो कौन हुआ, एक्यूमेन। तो एबिलिटी टू अंडरस्टैंड क्या होगी, एक्यूमेन। इस तरह से हमारा फर्स्ट हमने कवर किया असर्ब, असर्ब बिटर और इरिटेटिंग। कुछ अब इसके मीनिंग का रिलेशन बिटर के साथ होगा, कुछ का रिलेशन इरिटेटिंग के साथ होगा। आई हैव मेंशनड ऑल, मैंने सारे मेंशन किए हैं, यू विल रिवर्स दिस वीडियो एंड विल लिसन अगेन एंड अगेन एंड आई होप दैट यू विल बी एबल टू लर्न ऑल दीज वर्ड्स, आप सारे वर्ड्स को लर्न कर पाएंगे। नाउ मूव टुवर्ड द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट रूट वर्ड को देखते हैं। आज हम 3 रूट वर्ड्स कवर करेंगे बेटा। हमारा नेक्स्ट रूट वर्ड है क्रिप्टो। क्या है नेक्स्ट रूट वर्ड, क्रिप्टो। देखिए अब समझना ध्यान से, रूट वर्ड क्रिप्टो मीन्स हिडन, मीनिंग लिखा हुआ है, क्रिप्टो का मीनिंग क्या है, हिडन, ठीक है, वही छुपा होना, उसे बोलते हैं क्रिप्टो, ठीक है। चलिए क्रिप्टोग्राफी क्या है, क्रिप्टोग्राफी, ग्राफी हमने पहला रूट किया था और उसमें मैंने आपको बताया था ग्राफी मीन्स होता है राइटिंग, ठीक है, रिलेटेड टू राइटिंग। तो क्रिप्टो मीन्स हो गया हिडन, अभी हमने किया क्रिप्टो का मीनिंग किससे हुआ, हिडन से, तो वही तो हो गया राइटिंग ऑफ सीक्रेट वर्ड्स, ठीक है भाई, छुपे हुए हैं मतलब क्या है, सीक्रेट हैं, तो राइटिंग ऑफ सीक्रेट वर्ड्स से, दैट इज क्रिप्टोग्राफी, क्लियर। नेक्स्ट अनक्रिप्ट, देखो क्रिप्ट हो गया आपका हिडन, हिडन वर्ड्स को अनक्रिप्ट करना, ठीक है, हिडन वर्ड्स है उनको अनक्रिप्ट करना मतलब लिखना, तो कन्वर्टिंग इनटू सीक्रेट वर्ड्स, कोई आपके पास रिटर्न मटेरियल है उसको आप क्या कर रहे हैं, अनक्रिप्ट कर रहे हैं, सीक्रेट कोड में बदल रहे हैं, वो अनक्रिप्टिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्रिप्टिक, देखो कुछ आपके नाउन बन जाते हैं, कुछ आपके एडजेक्टिव बन जाते हैं, लेकिन मीनिंग कहीं ना कहीं जो है उसका सीक्रेसी से है, हिडन से है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्रिप्टिक, क्रिप्टिक, अब देखो जो सीक्रेट वर्ड्स हैं, क्या वो सीक्रेट वर्ड्स आप समझ सकते हैं, नोबडी इज एबल, मीन्स नॉट एवरीवन विल वुड बी एबल टू गॉट दीज, तो हर कोई तो एबल नहीं होगा ना, उनको समझ नहीं पाएगा, तो क्रिप्टिक क्या हुआ, क्रिप्टिक वो वर्ड्स है जिनको समझना बहुत ज्यादा क्या हो, मुश्किल हो, क्रिप्टिक वर्ड्स, गॉट इट। उसने कहा ही अनक्रिप्टेड द वर्ड्स, ही अनक्रिप्टेड द बुक, ही अनक्रिप्टेड द इन्फॉर्मेशन, कि उसने इन्फॉर्मेशन को अनक्रिप्ट कर दिया, सीक्रेट कोड्स में चेंज कर दिया, एंड द इन्फॉर्मेशन इज वेरी क्रिप्टिक, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन हो कैसी है, क्रिप्टिक है, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसको समझना जो है वो बहुत ज़्यादा क्या है, मुश्किल है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए क्रिप्टोलॉजी, लोजी होता है बेटा आपका रिलेशन स्टडी से, जहां भी लोजी आ जाए, जैसे हमने ग्राफी कहा था ना, रिलेशन किससे हुआ, राइटिंग से, ऐसे लोजी आपको जहां भी मिले उसका रिलेशन हुआ स्टडी से, किससे रिलेशन हुआ, स्टडी से, तो क्रिप्टोलॉजी स्टडी ऑफ सीक्रेट वर्ड्स, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, क्रिप्टोलॉजी, देखो क्रिप्टो सीक्रेट और लोजी स्टडी, वेरी सिंपल, क्रिप्टोलॉजी स्टडी ऑफ सीक्रेट कोड्स, क्लियर। नेक्स्ट वन क्रिप्टोनिम, क्रिप्टोनिम वही सीक्रेट हो गया, निम हो गया नेम, तो सीक्रेट नेम, तो कितने इजीली हम याद कर पा रहे हैं, इट्स सो इजी। नेक्स्ट है आपका सुडोनिम, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है सुडोनिम, आपके बहुत सारे बुक्स में भी लिखा होता है, ऑथर राइटर, जब आप लिटरेचर पढ़ते हैं, दिस इज द पेन नेम ऑफ दिस राइटर और दिस ऑथर, ऐसे लिखा होता है ना कि ये उसका क्या है, पेन नेम है, तो वो पेन नेम क्या होता है उनका, सुडोनिम होता है, ठीक है, कि वो नेम इसलिए चूज करते हैं ताकि वो फेम गेन कर सके, नेम विच इज यूज्ड फॉर राइटिंग बाय अ राइटर, फेम गेन करने के लिए राइटर्स यूज करते हैं उसे बोलते हैं सुडोनिम, ठीक है, फॉल्स नेम, क्लियर। चलिए देखिए अब इसका रिलेशन नेम और सूडो से, मतलब आपका क्या हुआ, सीक्रेट, यहाँ पे सूडो से क्या निकाला उसने, सीक्रेट, सीक्रेट मतलब उसने ऐसा नेम यूज किया, सीक्रेट सा नेम यूज किया, रियल नेम यूज नहीं किया, ठीक है, फॉल्स नेम यूज किया। एब्स्ट्रूज, देखो एब्स्ट्रूज बेटा क्रिप्टो से रिलेटेड नहीं है, ये वैसे इस स्लाइड में ऐड हो गया है, ठीक है, ये बाय मिस्टेक आ गया यहाँ पे एब्स्ट्रूज, क्योंकि इसका हिडन से रिलेशन नहीं है। हाँ ये कह सकते हैं भी एब्स्ट्रूज का मतलब ये है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, देखिए क्रिप्टिक और एब्स्ट्रूज दोनों का मीनिंग क्या है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, तो ये एक दूसरे के क्या है, सिनोनियम है,
क्रिप्टिक भी वही जिसको समझ ना पाए, और एब्स्ट्रूज भी क्या है ऐसा जिसको समझना की बहुत ज्यादा क्या हो मुश्किल हो, वो एब्स्ट्रूज। फिर है क्रिप्टोलॉजी, ये आपका रिपीट हो गया है, क्रिप्टोलॉजी अभी कराई था हमने। क्रिप्टोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ सीक्रेट कोड्स। लॉजी का मतलब स्टडी, क्रिप्टो का मतलब सीक्रेट, तो स्टडी ऑफ दोज। नहीं, यहाँ पे बेटा क्रिप्टोजूलॉजी आएगा। देखिए मैं दोबारा लिखती हूँ एक बार इस वर्ड को, यहाँ पे ना राइटिंग में थोड़ा सा ये हो गया। वन मिनट, देखिए मैं लिखती हूँ एक बार इसको, नेक्स्ट आ गई स्लाइड। देखिए ये आपका लास्ट वर्ड है, ये लास्ट वर्ड क्या बनेगा? ये बेटा क्रिप्टोजूलॉजी है, लिखने में क्रिप्टोलॉजी लिखा गया बाय मिस्टेक। देखो क्रिप्टोलॉजी तो यहाँ लिखा हुआ है लेकिन देखो मीनिंग अलग है। ये वर्ड बनेगा, इसको करेक्ट कर लेना आप अपने नोटबुक में, ये बनेगा बेटा क्रिप्टोजूलॉजी। ठीक है, क्या लिखोगे? क्रिप्टोजूलॉजी। क्लियर? ये वाला वर्ड नहीं है, ये बीच में जू लिखना रह गया, क्रिप्टो के बाद ना यहाँ जू आना था, क्रिप्टोजूलॉजी। क्लियर? चलिए अब अपना इस पे आते हैं, मीनिंग पे। स्टडी ऑफ दोज एनिमल्स विच आर एक्सटिनिक्ट और लेजेंडरी। वो एनिमल्स जो कैसे हैं? एक्सटिनिक्ट हैं। एक्सटिनिक्ट मतलब एक्सटिंक्शन, समझते हो ना, जो एक्सटिंक्शन हो जाता है, जो गायब हो जाए, तो एक्सटिंक्शन हो गया। जिनका लेजेंडरी, जो कि आपका उसमें लेजेंड्स में, स्टोरीज में यूज होते हैं, उनको बोलते हैं क्रिप्टो। देखो क्रिप्टो हो गया क्या? हिडन सीक्रेट। जू का रिलेशन किससे हुआ? एनिमल से। और लॉजी का रिलेशन किससे हुआ? स्टडी से। वेरी इजी। क्रिप्टो मीन्स सीक्रेट, सीक्रेट हिडन, जो छुप चुके हैं, जो गायब हो चुके हैं, जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है, जिनका एक्सटिंक्शन हो चुका है, वो क्रिप्टो। जू का मतलब एनिमल्स और लॉजी मीन्स स्टडी। तो स्टडी ऑफ दोज एनिमल्स विच आर एक्सटिंक्ट और लेजेंडरी। जो कैसे हैं? एक्सटिंक्ट हैं या लेजेंडरी हैं। फिर से एक बार रिपीट करती हूँ बेटा, क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी राइटिंग, ग्राफी का रिलेशन राइटिंग से, तो राइटिंग ऑफ सीक्रेट वर्ड्स है क्रिप्टोग्राफी। नेक्स्ट वन अनक्रिप्ट, कन्वर्टिंग इनटू, अनक्रिप्ट करना, ठीक है, सीक्रेट कोड्स में कन्वर्ट करना, वो क्या हुआ? अनक्रिप्ट करना। क्रिप्टिक, डिफिकल्ट, देखो आपने जब उनको सीक्रेट कोड्स में कन्वर्ट कर दिया तो वो कैसे बन गए? क्रिप्टिक बन गए, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। क्रिप्टोलॉजी, क्रिप्टोलॉजी स्टडी, लॉजी मीन स्टडी, ठीक है, बायोलॉजी होता है ना आपका, तो उसमें स्टडी है, तो लॉजी आपका स्टडी और क्रिप्टो मतलब सीक्रेट कोड्स की स्टडी, सो सिंपल। फिर है आपका बेटा क्रिप्टोनिम, ठीक है, निम से निकला नेम और क्रिप्टो से निकला सीक्रेट, तो क्रिप्टोनिम नेम आपका सीक्रेट नेम। और फिर आपका सूडोनिम, सूडोनिम आपका बेटा फाल्स नेम, ठीक है, फाल्स नेम, नेम विच इज यूज फॉर राइटिंग बाय अ राइटर, एक राइटर जो पेन नेम यूज करते हैं उन्हें सूडोनिम बोलते हैं। एब्स्ट्रूज, एब्स्ट्रूज बेटा क्रिप्टो से रिलेशन नहीं है, बट दिस वन इज रिलेटेड टू दिस वन, क्रिप्टिक, ठीक है, एब्स्ट्रूज और क्रिप्टिक, जिसको समझना मुश्किल हो, लेकिन ये है कि गंदा लिखा है, नहीं समझ आ रहा तो भी एब्स्ट्रूज है, लेकिन वो क्रिप्टिक नहीं है, सीक्रेट कोड्स में लिखा हुआ तब वो क्रिप्टिक है, गॉट इट। चलिए फिर है आपका क्रिप्टोजूलॉजी, क्रिप्टो एक्सटिंक्ट हिडन और जू एनिमल्स, लॉजी स्टडी, तो स्टडी ऑफ दोज एनिमल्स विच आर एक्सटिंक्ट और लेजेंडरी, जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, एक्सटिंक्शन, जिनका एक्सटिंक्शन हो चुका है, और जो लेजेंडरी हैं, जो उसमें स्टोरीज में यूज होते हैं, जिनका एक्सटिंक्शन हो चुका है या जस्ट स्टोरीज में यूज होते हैं, उन एनिमल्स की जो स्टडी की जाए उसको बोलते हैं क्रिप्टोजूलॉजी। क्या बोलते हैं? क्रिप्टोजूलॉजी। मैंने बताया बेटा ये वर्ड ऐसे नहीं, ऐसे लिखा जाएगा, क्रिप्टो फिर जू और फिर लॉजी। क्लियर? सेकंड रूट वर्ड कवर हुआ। अब देखिए आपका नेक्स्ट रूट वर्ड बेटा, नेक्स्ट है आपका मोनो, ठीक है, नेक्स्ट आपका कौन सा है बेटा? मोनो, ठीक है। मोनो का मीनिंग क्या होता है? मोनो का मीनिंग होता है वन, ठीक है, मोनो का मीनिंग क्या होता है बेटा? वन, ठीक है, वन से जितने भी आपके मीनिंग निकलेंगे उनमें वन का रिलेशन होगा, सिंगल का रिलेशन होगा, ठीक है। मोनोपोली होता है ना आपका भी, एकाधिकार, मोनोपोली यूज करते हैं, बिजनेस में लेते हैं मोनोपोली की भी, इस थिंग की उस पे प्रोडक्शन पे मेरा ही अधिकार है, जिन्होंने इकोनॉमिक्स वगैरह में पढ़ा होगा मोनोपोली, तो वो मोनो का मतलब वन, अकेला, सिंगल। देखिए पहला देखिए, मोनोकल, तो मोनोकल आपका सिंगल, मोनो तो हो गया सिंगल, इसका रिलेशन किससे हुआ? आई ग्लास से, तो मोनोकल आपका सिंगल आई ग्लास। सेकेंड वन मोनार्क, ठीक है, मोनार्क क्या? रूलर, राजा, राजा एक ही तो होता है, ठीक है, तो वो मोनार्क। मोनोग्राम, मोनोग्राम बेटा सिंबल, ये आपका सिंबल के लिए, ठीक है, एक ही वो है वहां पे, तो वो क्या है? सिंबल है। मोनोलोग, देखो लोग से निकालो लैंग्वेज,
लोग से क्या निकालो, लैंग्वेज। लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, बातें करते हैं, लैंग्वेज ही तो यूज करते हैं बातें करने के लिए। तो हम जहां पे अपने आप से ही बातें करें, स्पीच बाय वन पर्सन टू वन सेल्फ, जब हम अपने आप से ही बातें कर रहे हों तो हम उसे क्या बोलते हैं, मोनोलोग। हम अपने आप से लोग यहां पे टॉक कर लो, चाहे से बातें कर लो, अपने आप से ही, एक से ही बात करना, खुद से ही बात करना। देखो अगर हम ऐसे बात करें, दो पर्सन अलग अलग बात करेंगे तो मोनोलोग नहीं होगी ना, जब एक ही है तो वो खुद से ही बात करें तो क्या, मोनोलोग। फिर आपका मोनास्ट्री, बेटा मोनास्ट्री आपका जो है रिलीजियस हाउस वेयर वन गोज टू बी अलोन अवे फ्रॉम द वर्ल्ड, ठीक है, ये आपका जो है बुद्धिस्ट में यूज होता है, एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे कि एक आदमी बिल्कुल अकेला जाता है, पूरे संसार को छोड़ देता है, जैसे सेंट वगैरह बन जाते हैं, साधु वगैरह बन जाते हैं, ठीक है, उनको उस प्लेस को, मतलब जहाँ पे वो जाते हैं उस प्लेस को बोलते हैं मोनेस्ट्री, ठीक है। तो जहाँ पे वो अकेले हो जाते हैं, जाके पूरे वर्ल्ड से कट जाते हैं, पूरे वर्ल्ड से दूर हो जाते हैं, तो उस प्लेस को बोलते हैं मोनेस्ट्री, जहाँ पे वो अकेले रहते हैं। नेक्स्ट देखिए मोनोफोबिया। देखो फोबिया आपका आया था ना फर्स्ट वाले में, जो हमने किया था असर्बोफोबिया। असर्बोफोबिया मीन्स फियर फ्रॉम द एंग्जाइटी फ्रॉम द बिटर थिंग्स, तो यहाँ पे आ गया मोनोफोबिया, तो वही फोबिया। फोबिया का रिलेशन क्या हुआ, फियर, और मोनो का मतलब क्या हुआ, वन, मतलब फियर ऑफ बींग अलोन, जो अकेला रहने से डरे उसे बोलते हैं मोनोफोबिया, सो सिंपल। फिर है बेटा मोनोथीज़म, ये भी बेटा आपका एक रूट वर्ड है थीज़म, और थीज़म का रिलेशन होता है गॉड से, ठीक है, थिस्ट वर्ड आता है ना, थिस्ट और अथिस्ट, आस्तिक और नास्तिक, ठीक है, ये करेंगे अभी रूट वर्ड हम बाद में। तो मोनोथीज़म आपका बिलीफ इन वन गॉड, ठीक है, एक भगवान में जिसका विश्वास हो उसे बोलते हैं मोनोथीज़म, क्लियर। नेक्स्ट आपका मोनोक्रोमेट, ठीक है, क्रोमेट का रिलेशन होता है बेटा कलर से, क्रोमेट क्या होता है, कलर, ये भी एक रूट वर्ड है, और मोनो का एक, तो हैविंग सिंगल कलर, सो सिंपल, ठीक है। मोनोटोनस, देखिए मोनो हो गया सिंगल, वन टोन, तो जब हैविंग वन टोन तो वो आपकी टोन कैसी हो जाएगी, बोरिंग हो जाएगी, एक ही टोन में बात करते रहें, कुछ वहाँ पे एक्सप्रेशंस ना हो, बिना एक्सप्रेशंस के बात करें तो वो कैसा हो जाता है, मोनोटोनस हो जाता है, तो यहाँ पे उसे डल भी बोल देते हैं, बोरिंग भी बोल देते हैं, वो होता है बेटा आपका मोनोटोनस, गॉट इट। चलिए फिर से रिपीट करती हूँ, सुनिए ध्यान से, मैंने आपका बेटा थर्ड रूट वर्ड स्टार्ट किया, और थर्ड रूट वर्ड है हमारा मोनो, एंड द मीनिंग ऑफ मोनो इज वन, मोनो का मीनिंग क्या है, वन। मोनोकल देखिए सिंगल आई ग्लास, ठीक है, मोनार्क रूलर, मोनोग्राम सिंबल, मोनोलोग एक ही आदमी खुद से बात करें वो मोनोलोग, मोनास्ट्री एक ऐसा प्लेस जहाँ पे इंसान बिल्कुल अकेला हो जाए, वर्ल्ड से दूर हो जाए, ठीक है। मोनोफोबिया फियर, जिसमें कि अकेले रहने से, एक अकेला रहने से फियर हो, वो मोनोफोबिया, जिसका एक ही थीज़म गॉड, मोनोथीज़म बिलीफ इन वन गॉड, जिसका एक ही गॉड में, एक ही भगवान में विश्वास हो, मोनोथीज़म। मोनोक्रोमेट, क्रोमेट का मीनिंग हुआ कलर, तो मोनोक्रोमेट हैविंग सिंगल कलर, ठीक है। मोनोटोनस हैविंग वन टोन और बोरिंग, जिसकी भी एक ही टोन हो, और वो टोन भी कैसी हो, बोरिंग हो बहुत ज़्यादा, जो डल हो, कैसी हो, डल हो जो बहुत ज़्यादा, उसे बोलते हैं मोनोटोनस, गॉट इट। चलिए यू गॉट ऑल दीज थिंग्स, आज हमने कौन कितने रूट वर्ड कवर किए, हमने थ्री रूट वर्ड्स को कवर किया। हमारा जो पहला रूट था बेटा वो था हमारा असर्ब, असर्ब का मीनिंग बताया था मैंने, बिटर और इरिटेटिंग, ठीक है, ये सारा सबका रिलेशन किससे, बिटर और इरिटेटिंग से। नेक्स्ट हमने किया बेटा क्रिप्टो, क्रिप्टो का मीनिंग क्या, हिडन, ये आपको अगर क्रिप्टो दिख जाए ना, अगर आपको मोनो दिख जाए, अगर आपको क्रिप्टो दिख जाए, देन यू विल बी एबल, तो आप बिल्कुल वहाँ पे पहचान पाएंगे कि हमारा जो वो है मीनिंग है वो हिडन के आसपास मिलेगा, कि ऑप्शंस में चेक करें कहाँ पे हिडन गिवन है, कहाँ सीक्रेट गिवन है, ठीक है। ऐसा कोई इसका जो इससे रिलेटेड आपका जो वो है कोई भी वर्ड है आपका आसपास ऑप्शंस में दिख रहा है या नहीं, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट, आप बहुत इजीली निकाल पाएंगे। सो इन सच मैनर देखो इन दिस वीडियो वी हैव कवर्ड नियर अबाउट 20 to 25 वर्ड्स एंड विद इन 15 to 20 मिनट्स, टाइम कितना लगा हमें 15 से 20 मिनट, और वैसे अगर हम वर्ड्स लर्न करने लग जाए तो हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो दिस इज द बेस्ट वे आई थिंक टू इम्प्रूव द वोकैब, एंड वी विल कंटिन्यू दिस प्रोसेस इन द नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो, हम कंटिन्यू रखेंगे एंड वी विल ट्राई टू इम्प्रूव अवर वोकैब। चलिए ओके बेटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।